अजय नागर, ऑल्सो नोन एज कैरी मिनाटी, का जन्म 1999 में फरीदाबाद में हुआ। अजय एक गुर्जर परिवार में पैदा हुआ। अजय की स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद से हुई। अजय ने करीब 10 साल की उम्र से ही यूट्यूब चलाना शुरू कर दिया था। तभी से अजय का बहुत मन था यूट्यूब पे वीडियोस डालने का। वो हमेशा से ही चाहता था कि वो किसी भी तरह लोगों की नजरों में आए। इसको आप एक 10 साल के बच्चे का शौक समझो या कुछ और। 2010 के टाइम जब यूट्यूब दुनिया में सबसे ग्रोइंग चीज थी ना, इस टाइम पे दुनिया भर में से लोग कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स और फुटबॉल ट्रिक्स की वीडियो अपलोड करते थे और उनमें से बहुत से लोग तो पॉपुलर भी हो जाते थे। तो बस अजय ने इसी से इंस्पायर होके ऐसी ही वीडियोस बनाने की ठान ली। पढ़ाई में तो अजय की हमेशा से ही हालत खराब थी, तो बस अजय ने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया स्टिल्थ फियर्स नाम से। इस चैनल पे अजय फुटबॉल ट्रिक्स और ट्यूटोरियल्स डाला करता था, पर इस चैनल की किसी वीडियो पे कभी 400 से ज़्यादा व्यूज नहीं आए। इसका ये रीज़न था क्योंकि ये काम दुनिया में बहुत सारे लोग कर रहे थे और एक 10-12 साल का लड़का उनके परफेक्शन को कम्पीट नहीं कर पा रहा था। पर फिर भी अजय यूं ही चैनल बनाता रहा और उन पे वीडियोस डालता रहा। अभी सिर्फ ये अजय का शौक था, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया और वो बड़ा होता गया ना, ये शौक पैशन में बदल गया। अब अजय 15 साल का हो गया था और थोड़ा सीरियस हो गया था यूट्यूब के मामले में। उसने अब कुछ और करने का सोचा। उसने अब एक गेमिंग चैनल बनाया एडिक्टेड A1 के नाम से, जिसपे वो गेम प्लेस की वीडियोस डालता था अपनी कमेंट्री के साथ। इसमें वो एक्टर्स जैसे ऋतिक रोशन और सनी देओल की मिमिक्री भी करता था। पर उसका ये आइडिया भी लोगों को कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि इंडियंस ना ज़्यादा गेमिंग वीडियोज़ देखते नहीं हैं। अजय की खास बात ये थी कि वो अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करके उनसे कुछ सीखता था। अब अजय को पता लग गया था कि गेम प्लेस इंडिया में कोई देखता नहीं, तो गेम प्लेस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसने कंटेंट चेंज करने का सोचा, पर अभी अजय के पास कोई आइडिया नहीं था। यूट्यूब को तो पहले से ही अजय एक्सप्लोर करता रहता था, और इस बार अजय को एक नया बंदा मिला जिसका नाम था लीफी सेयर। वो अपनी वीडियोस में ना गेम प्ले रोज डालता था और काफ़ी फेमस भी था। तो बस अजय को इसी से आइडिया मिल गया। फिर अजय ने अपने चैनल का नाम एडिक्टेड A1 से कैरी देओल रख लिया और गेम प्ले रोस्ट अपलोड करने लग गया, जिसमें वो सनी देओल की मिमिक करके लोगों को हंसाता था। अब कैरी के करीब 1500 फॉलोअर्स हो चुके थे और इस चैनल पे ना आज भी कैरी ने करीब 150 वीडियोस प्राइवेट कर रखी हैं। अब इस टाइम पे कैरी ने बहुत सारी वीडियोस डाली और इसके बाद उसने एक वीडियो डाली बीबी की वाइंस का रोस्ट करते हुए। ये वीडियो एक हफ्ते में ही वायरल हो गई और इस पर करीब 1,00,000 व्यूज़ हो गए। तो बस कैरी ने इसी टाइम का फ़ायदा उठाते हुए ना इसी महीने में 7 वीडियोस डाल दी। फिर तो कैरी ने वीडियोस की लाइन ही लगा दी। अब कैरी लोगों की नज़र में आ चुका था और इसी टाइम पे उसने अपने चैनल का नाम कैरी देओल से कैरी मिनाटी भी रख लिया। और इस टाइम पे कैरी के चैनल पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने लग गए और स्कूलों में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। कैरी को जो चीज़ अपने एज ग्रुप के बच्चों से अलग बनाती है ना, वो ये है कि इस बंदे में हिम्मत बहुत है, क्योंकि हर कोई 15-16 साल का लड़का ना इतनी डेडिकेशन से यूट्यूब में लग नहीं जाता। और मेरे हिसाब से तो इसके सक्सेस का ये भी रीज़न है कि कैरी पेशेंट बहुत है। मतलब ये बंदा ना 2010 से 2016 तक बिना प्रॉफिट के और बिना हिट हुए वीडियोज़ डालता रहा, पर रुका नहीं। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है पैशन। आज कैरी टीनेज ग्रुप में बहुत फेमस है और लगभग हर स्कूल में उसकी बातें होती हैं। इस बंदे ने हमें ये तो सिखा दिया कि अगर आप अपना काम करते रहोगे ना, तो कभी ना कभी तो आपको अपनी मेहनत का फल मिलना ही है।